ऑल राइट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ दी अबडोमिनल अरोटा, उसके साथ जो है जुड़ा हुआ है ब्लड सर्कुलेशन थ्रू दी अबडोमिनल अरोटा। तो हमने देखा कि अबडोमिनल अरोटा की ब्रांचेस हैं सिलिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, अबडोमिनल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई दे रही हैं। सिमिलरली उसी तरह उन्हीं ही वेन्स के थ्रू मेसेंट्रिक आर्ट वेन, सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन एंड हेपेटिक वेन, वो जो हम कह सकते हैं, और इसके अलावा वेन फ्रॉम दी स्टमक गैस्ट्रिक वेन, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ दीज ऑर्गन्स प्लस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। तो जैसे ही हमारा जो फूड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, चाहे फैट्स हैं, चाहे हमारी प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स मिनरल्स, ठीक है, एंड हमारा H2O वाटर, ओके, तो हम चाहे कुछ भी खा रहे हैं दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स एंड विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सिंपल फॉर्म में इनको तोड़ दिया जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, केमिकल डाइजेशन, सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, ये जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस प्लस न्यूट्रिएंट्स हैं ये अब ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। चाहे ये हमारी डाइजेशन स्टमक में हो रही है, चाहे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है, चाहे स्प्लीन में हो रही है, चाहे गॉल ब्लैडर का पार्ट है वहाँ पे हो रही है, तो यहाँ से हमारा इन सभी ऑर्गन्स का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ लेके आ रहा है न्यूट्रिएंट्स। क्या लेके आ रहा है साथ में? न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड दी सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इसका क्या करना है, ये लिवर डिसाइड करेगा, ये लिवर जो है वो डिसाइड करेगा। नाउ अब हम ये देखेंगे इस लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि व्हाट इज़ पोर्टल वेन सर्कुलेशन, व्हाट इज़ बेसिकली पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन है क्या? पोर्टल वेन फॉर्म इज़ द पोर्टल वेन इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ, जुड़ के, आपस में जुड़ के बना रही हैं जो है पोर्टल वेन, ठीक है। तो लेट्स बिगन, व्हाट इज़ पोर्टल वेन? सो ये आपका जो है दैट इज लिवर, ओके। तो अब हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बड़ी ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे स्प्लीनिक क्या बोलते हैं पोर्टल वेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पोर्टल वेन सर्कुलेशन में दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो लेट्स बिगन विद, सबसे पहला ऑर्गन जो हमारा है दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारी इन्फीरियर एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन किसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ओके। उसके बाद है जी हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के बाद है गैस्ट्रिक वेन। कौन सी वेन? गैस्ट्रिक वेन, ओके, फ्रॉम दी स्टमक एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सिस्टिक वेन विच कम्स फ्रॉम दी गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर इसी के नीचे है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम हमारा गॉल ब्लैडर, ओके। तो यहाँ से आ रही है हमारी कौन सी वेन? सिस्टिक वेन, ओके। नाउ वी विल सी दैट हाउ द पोर्टल वेन सर्कुलेशन जो है कैसे बनती है फ्रॉम दी यूनियन ऑफ दीज वेन्स, ओके। सो लेट्स बिगन विद स्प्लीनिक वेन। यहाँ से स्प्लीनिक वेन आ रही है कैरिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्प्लीन अलॉन्ग विद जो है हमारा इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट्स एंड जो हमारे टी सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन्स जो हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सुपीरियर एंड इन्फीरियर जो है हमारी
वेन्स हैं फ्रॉम दी लार्ज इंटेस्टाइन, जिन्होंने वाटर को रीअब्जॉर्ब किया है और सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन करते हुए वाटर को मेंटेन करने के लिए वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब किया है और सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया है, ठीक है जी। बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग न्यूट्रिएंट एंड देन इज द गैस्ट्रिक वेन। गैस्ट्रिक वेन जो है ये भी पूरी तरह पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट से रिच है। देन कम्स फ्रॉम हेयर सिस्टिक वेन, ठीक है, यहाँ से गाल ब्लैडर से आ रही है सिस्टिक वेन। ये सारी जो वेन्स हैं फ्रॉम द स्प्लीन, स्प्लीनिक वेन, ओके, स्प्लीनिक वेन, इन्फीरियर, सुपीरियर, मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, ठीक है जी, एंड सिस्टिक वेन, ये सारी बना रही हैं मिलके आपस में यहाँ पे पोर्टल वेन, ठीक है, क्या बना रही हैं आपस में, पोर्टल वेन, ठीक है, पोर्टल वेन बना रही हैं। ये जो वेन है दैट इज पोर्टल वेन हमारी, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे जो हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं, दे आर प्लेइंग वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड है वो कैसे इन ऑर्गन्स से जो है हमारा पोर्टल वेन में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब नर्व डैमेज के कारण, पोर्टल वेन में फैट डिपॉजिट होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण कई बार यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लग जाती है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, आर्टीरियोसिक्लेरोसिस हो जाता है, पोर्टल वेन की दीवारें जो हैं, पाइप की दीवारें हैं ये सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, आर्टीरियोसिक्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है, आर्टीरियोसिक्लेरोसिस हार्ड हो जाती हैं, प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो है पोर्टल वेन अक्ल्यूड हो जाती है, जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है, ऑक्ल्यूड जो है हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा पोर्टल वेन का ब्लड है, स्प्लीनिक वेन का ब्लड है, ये वापस जाना, प्रेशर रीगर्जिटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर वहाँ पे इनक्रीज होना, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। तो हमने देखा कि कैसे जो है यहाँ पे हमारी पोर्टल वेन सर्कुलेशन काम कर रही है, ठीक है। अब बहुत छोटी छोटी वेन्स हैं, बहुत छोटी छोटी वेन्स हैं जो खुद लिवर की पोस्टीरियर साइड से, लिवर की पोस्टीरियर साइड से यानी पीछे से ऐसे निकल रही हैं। ये जो है हमारी, ये भी हमारी पोर्टल वेन, एक तो पोर्टल वेन एंटर कर रही है लिवर में, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रही है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी एंटर कर रही है, ये रेड कलर वाली पोर्टल वेन एंटर कर रही है और बाहर आ रही हैं हमारी बाइल जूस लेके, ठीक है, गाल ब्लैडर को फिल करने के लिए बाइल डक्ट। तो लिवर की खुद की जो वेन्स हैं ये भी पीछे से अल्टीमेटली इन्फीरियर वेना कावा का ही पार्ट जो है बन जाती हैं। लिवर में मेटाबॉलिज्म, ग्लूकागॉन फॉर्मेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद ये जो हमारी न्यूट्रिएंट हैं, ड्रग्स हैं, एंजाइम्स हैं, मेडिसिन जो हम पेशेंट ले रहे हैं वो सारी इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कैसे डिस्प्रिन यहाँ पे आई, उसके बाद पोर्टल वेन का हिस्सा, लिवर ने इसको पास कर दिया, भी हमारे लिए सूटेबल है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। जिन दवाइयों को हमारा लिवर पास कर देता है, जिन केमिकल्स को, मिनरल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में ये चीज़ पास हो गई और अब ये परमिटेड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए और यूज़ होने के लिए, मेटाबोलाइज होने के लिए। तो हमने देखा पोर्टल वेन सर्कुलेशन कैसे जो है हमारे न्यूट्रिएंट हार्ट के थ्रू फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोर्टल वेन सर्कुलेशन।
ओके, क्लास डिसमिस।